सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था जिन्होंने अपने यहाँ से IVF करवाया है। उनका क्वेश्चन ये था कि उनके 25 eggs निकले थे ओबम पिकअप के दिन, बट उनका जो ब्लास्टोसिस बना, जो कि आपने उनको बताया, वो 6 ब्लास्टोसिस बना। उनके दो क्वेश्चन थे, क्या उनका ICSI हुआ था या कन्वेंशनल IVF हुआ था, और जब 25 अंडे निकले तो 6 ही ब्लास्टोसिस क्यों बने? कृपया इसके बारे में प्रकाश जाए, ऐसा क्यों हुआ? ये जो 26 जून को जो एम्ब्रियो बने जी थे जी जी उनको मैंने फ्रीज किया है। जी उनका आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर कैंसिल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ये इतना रेलेवेंट क्वेश्चन है कि उसके यदि एग्स इतने सारे निकले तो उस एग से एम्ब्रियो क्यों नहीं बने। तो सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूंगा कि जो हम जब IVF करते हैं, ये जो पेशेंट थी ये नॉन केस ऑफ, मतलब इसको एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का ऐसा डायग्नोस किया था मैंने। पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है कि जो ओवरी है उसमें बहुत सारे अंडे बनते हैं और इमेच्योर रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। चूंकि ये निकलते नहीं हैं तो हम इनको IVF के इंजेक्शन द्वारा बढ़ाते हैं। नॉर्मली जो एग होता उसको जब हम निकालते हैं बाहर तो हम इनको भी बाहर निकालते हैं IVF में, हमने इनको बाहर निकाला। ये जो अंडा है ये इसके भीतर जो एग रहता है उसमें बनते समय लेडी का जो क्रोमोसोम का काउंट है वो 46 है। जब वो गैमिट बनाती है तो 23 क्रोमोसोम का गैमिट बनाएगी और इससे पुरुष का 23 मिलेगा तो एक 46 करके एक एम्ब्रियो बनेगा। ये एक जीवन का नियम है। अब होता यह है कि जो फीमेल है जब वो इंट्रा यूट्राइन अपनी माँ के कोख में रहती है 4 महीने की अवस्था से, उसका क्या होता है कि ये जो अंडे का 46 क्रोमोसोम वाला जो डिवीजन है ये डिवीजन शुरुआती अवस्था में एक पड़ा रहता है, पूरा डिवाइड नहीं होके डिवीजन की स्टेटस में पर बीच में रुका हुआ पड़ा रहता है, उसको डिक्टियोटीन स्टेज बोलते हैं। ये पड़ा रहता है 4 महीने के इंट्रायूट्राइन गर्भकाल के, उससे जब तक उसका ओवुलेशन नहीं हो रहा। जब ये ओवुलेशन होता है, जब उसको नेचुरली अंडा निकलता है उस समय ये डिवाइड होता है। जब ये डिवाइड होता है तो इसमें से एक 23 नंबर और एक छोटा सा सेल 23 नंबर, जो एक बड़ा सेल वो एग है और जो छोटा सेल ये पूरा का पूरा एक खोल में है, दैट इज जोना पेलुसिडा। ये जो छोटा वाला सेल है इसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। जब हम IVF के दौरान अंडा बाहर निकालते हैं तो इस अंडाशय को लगता है कि एक ओविलेशन हुआ, पर यह है एक आर्टिफिशियल ओविलेशन, मतलब अंडा निकालने का प्रक्रिया। जो ही हमने इसको निकाला तो ये डिवीजन यहां भी स्टार्ट होता है, मतलब ये डिक्टियोटीन स्टेज से डिवाइड होके एक सेल और ये सेल बनाते हैं। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये 23 का, इसको M2 ऊसाइट बोलते हैं। इस M2 ऊसाइट में ही स्पर्म अंदर जाता है। हम ICSI जो करते हैं M2 ऊसाइट में, तो हम यहाँ पर पुरुष का भी 23 क्रोमोसोम हमने अंदर डाला। इससे जो ही इसके अंदर डाला इसमें एक और सेल डिवीजन होता है और इस खोल के भीतर दो प्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं जिसको सो कॉल्ड हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट करके कुछ नहीं होता, सिंगल न्यूक्लियस का, ये दो प्रो न्यूक्लियस वाला एक स्टेट होता है और एक पोलर बॉडी और रिलीज होती है, इसको सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। ये जो जाइगोट बना इस जाइगोट में फिर डिवीजन होता है, मतलब सेल का डिवीजन होगा खोल के भीतर ही, जोना पेलिसोटा के भीतर। तो एक सेल बनेगा, दो सेल बनेगा, तीन सेल बनेगा करके ये ब्लास्टोसिस्ट में जाता है। यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट बना, यहाँ इनर सेल ब्लास्ट बना।
ये एक नॉर्मल तरीका है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो पेशेंट है इसके 25 एग्स निकले हैं। उन 25 एग्स में करीबन 12 जो थे वो M2 में थे, मतलब जो M2 में नहीं आए, जिसमें ये न्यूक्लियस का डिवीजन, ये सेल का डिवीजन न्यू ये पड़ा रहा, इसको जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। जर्मिनल वेसिकल यूजलेस होता है, मतलब ये अंडा जो निकला जिसमें हमको पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं दिखाई दी, उसमें हम इक्सी नहीं कर सकते, वो जर्मिनल वेसिकल वाली जो ओसाइट है वो खराब हो गई, ये बढ़ भी नहीं पाती। जब ये नहीं बढ़ पाती तो उसके जो बाकी ओसाइट हैं, जो बाकी अंडे वेस्ट हो गए, काम के नहीं रहे, तो बचे 12। अब इन 12 को जब आपने इक्सी से पिरोया तो ये सबके एम्ब्रियो बने, तो डे 1 बने, डे 2 बने, डे 3 के पास आके क्या होता है, जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, अंडों की क्वालिटी भले ही वो M2 में रहे, क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी क्वालिटी खराब होगी। अब इसमें क्या हुआ, इनमें जब हमने इक्सी किया, इन इक्सी से 50% यहां आके डे 3 में आके रुक गए, मतलब उनका एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन नहीं हुआ, केवल 6 जो हैं वो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचे। जब ये 6 ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचे, अब आप पूछते हो कि उसका हमने ट्रांसफर क्यों नहीं किया। ये जो पेशेंट है इसका चूंकि बहुत सारे एक बन गए थे, तो जब पेशेंट का अंडा बहुत ज्यादा बने तो उसको एक खतरा रहता है, उसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें पेट में पानी इकट्ठा हो जाना या लंग्स के आसपास पानी इकट्ठा हो जाना करके ये प्रॉब्लम होने से कई बार पेशेंट की जान को भी खतरा होता है। यदि ये पेशेंट प्रेग्नेंट हुई तो उससे HCG निकला, HCG से OHSS बढ़ता, तो हमने क्या किया, इस पेशेंट को ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि वो OHSS में जाए ना। वो क्या प्रोटोकॉल होता है उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पर हमने ऐसी प्रोटोकॉल डेवलप करके रखी है खासकर उनके लिए जिनमें OHSS में जाने का खतरा हमको दिखता है, हम उनको वहीं पर ऐसा प्रोटोकॉल यूज करते हैं कि OHSS में ना जाए। हम उनका क्या करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज कर लेते हैं, हमारी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज कर लेती हैं, इसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं, जो मैडम बैनर्जी करती हैं। अब इस पेशेंट को चूंकि हमने आगे नहीं बढ़ाया तो 6 ब्लास्टोसिस्ट हमने फ्रीज कर लिए, मैं इसका वीडियो भी बताऊंगा आपको। अब बात आती है जब मैं इसका ट्रांसफर करूंगा तो मैं करूंगा तो 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, बाकी का क्या करूंगा। तो पेशेंट कपल हमको फिर से अनुमति देता है कि हम इसको लंबे समय तक रखना चाहते, जिसका एक अलग खर्च आता है जो आप मिस्टर देवेन से बात करके पूछ सकते हो, या फिर मैं इनको नहीं रखूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये पेशेंट की पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये जो दोनों केस जिसमें कि अंडे बन के एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन नहीं हुए वो कैसे दिखते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैसे दिखते हैं, इतनी भीड़ में कितने खराब हो जाते हैं, पूरे के पूरे अंडे ब्लास्टोसिस्ट में क्यों नहीं जाते, क्योंकि पूरे के पूरे अंडे उसमें से 50-60% जीवी में रहते, जर्मिनल बेसिकली में, जो कोई काम के नहीं रहते। चूंकि हमने इसके चारों तरफ के सेल को हटाया तो हमको इसको डिन्यूट करना पड़ा, तो हमको इक्सी करना पड़ा, जितने M2 ओसाइट निकले उनको हम सब ओसाइट को यदि हम फर्टिलाइज भी कराएं तो जरूरी नहीं कि हर स्पर्म से इक्सी करने से हर अंडा फर्टिलाइज होके ब्लास्टोसिस्ट बने। अंडों की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो स्पर्म पिरो देने के बाद भी इसमें ग्रोथ नहीं होती। यही चीज पॉलीसिस्टिक ओवरी में इस पेशेंट के साथ हुई, तो उनका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि उसको मालूम होना चाहिए कि इतने सारे एग निकलने के बाद में इतने सारे भ्रूण बनना चाहिए, तो क्यों नहीं बने, और उन भ्रूण को मैंने फ्रीज क्यों किया, क्योंकि हम OHSS में नहीं जाने देना चाहते। अब आप देखोगे सबसे पहला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखोगे सब, ये एक पेशेंट जिनका आज एम्ब्रियो ट्रांसफर किया हमने,
इनके दो ब्लास्टोसिस्ट अच्छे दिख रहे हैं, पर आप देखोगे कि इसमें कुछ अंडे ऐसे भी हैं जो फर्टिलाइज ही नहीं हुए, कुछ इवन दो वो M2 में थे, कुछ ऐसे हैं जो फोर स्टेल सेल में आकर रुक गए, पांचवें दिन में उनको ब्लास्टोसिस्ट में होना था रुक गए। तो आप देखोगे बहुत सारे जो फ्रैगमेंटेड और अरेस्टेड हैं ये हमारे कोई काम के नहीं हैं, हमारे जो काम के हैं जिसमें कैविटी बन रही वो काम के हैं। इसका मतलब इतने सारे अंडे निकलने के बाद भी जो ब्लास्टोसिस्ट बन रहे वो केवल 3 बन रहे हैं, आज का जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। इसमें हम कुछ भी इसको फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये पाँचवें दिन के हिसाब से बहुत पीछे हैं। इनको आप कॉम्पैक्ट बोल सकते हो, इनको आप फ्रैगमेंटेड बोल सकते हो, और जो पेशेंट का हमने हम आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते, जो ब्लास्टोसिस्ट हमने फ्रीज किया उनके ब्लास्टोसिस्ट देखेंगे तो ये ब्लास्टोसिस्ट आपको स्पॉन्टेनियस हैचिंग वाले दिखेंगे, ये इतने अच्छे बने हैं इस भीड़ में से। जो बाकी यूजलेस थे वो हमने अलग कर दिए, इन्हीं को हमने फ्रीज किया और इन्हीं में से ये स्पॉन्टेनियस हैचिंग जो हम हैच एम्ब्रियो डालते हैं। कुल मिला के आप यदि पूरा प्रोजेक्ट देखोगे IVF का, जो एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर होता है, जो हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट करती हैं, कितने एग निकले, यदि डिन्यूड कर रहे हैं तो इक्सी तो कर ही रहे हैं कन्वेंशनल IVF, ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल IVF भी अच्छा होता है, चूँकि हम फर्टिलाइजेशन ज़्यादा चाहते हैं, हम इक्सी से बेहतर एम्ब्रियो बना पाते हैं, तो कन्वेंशनल IVF और इक्सी के एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन में यदि मेल इनफर्टिलिटी ना हो तो बहुत अंतर नहीं रहता। नंबर दो, जितने एम्ब्रियो बनते हैं वो जरूरी नहीं, जितने एग निकलते हैं जरूरी नहीं कि वो हर कोई एम्ब्रियो में चेंज हो जाए, हर कोई ब्लास्टोसिस में बदल जाए, ये जानना एम्ब्रियोलॉजी लैब के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा साइंस है और ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है कि वो जब देखती हैं कि कैसी कंडीशन है उस हिसाब से हम काम करते हैं। आशा है कि ये वाला इस वीडियो से जो बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जिनके अंडे ज़्यादा निकले, ब्लास्टोसिस्ट कम निकले, बाकी अंडों का क्या हुआ, कॉम्पैक्ट एम्ब्रियो और जो अरेस्टेड एम्ब्रियो पाँचवें दिन में वो यूज़फुल हैं कि यूजलेस हैं, वो अधिकतर यूजलेस रहते हैं, तो इससे उनको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।